ओम शांति। योग का अभ्यास करेंगे। शुभ क्षणों में अवतरित होकर भाग्य विधाता, भाग्य हमारे बना रहे हैं, परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा है। अंतर मन का आंचल भर लें। चलो आज अपना जीवन सफल कर लें। मैं आत्मा ब्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अविनाशी चैतन्य सिदारा हूँ। 5 तत्वों से बने इस जड़ शरीर के मालिक हूँ। सभी कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। परमात्म शक्तियों और वरदानों से भरपूर हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहे हैं। मैं आत्मा बिंदुवन बिंदु बाप को याद कर रही हूँ। शिव ज्योति दिव्य सितारे को निरंतर निहार रही हूँ। विस्तार को छोड़कर सार स्वरूप में समा गई हूँ। शिव बाबा के निर्देश अनुसार मुझे सदा सत्य के संग में रहना है। सत्संग स्वउन्नति का साधन है और कुसंग पतन की जड़ है। ये इस कयामत के समय में जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है, हमें पावन जरूर बनना है। मैं आत्मा इस प्रिय गोद में पलने वाली प्यारे शिव बाबा से मंगल मिलन मनाने वाली, भारत को स्वर्ग बनाने वाली, भारत को स्वर्ग बनाने वाली महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। आत्मा बाप दादा के स्नेह के बंधन में बंधती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाप दादा के स्नेह के बंधन में बंधती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की मोह की रस्सियाँ टूटती जा रही है। मैं आत्मा सभी मोह के विनाशी बंधनों से मुक्त हो रही हूँ। मुझ आत्मा की जन्मों जन्मों की दुख अशांति और अपवित्रता दूर हो रही है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की
सभी कमी कमजोरियां दूर हो रही है। मैं अपने पुराने आसुरी संस्कारों के बस दुखी थी, अब मैं आत्मा अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कारों को छोड़ नए दैवी संस्कारों को धारण कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आने वाली दैवी दुनिया में जाना है। हम संगम युगी आत्माएं बहुत खुश नसीब है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें गोद लिया है। हम भगवान से सन्मुख मिलन मना रहे हैं। इस बेहद रूहानी नशे का अनुभव करते रहें और सभी को कराते रहें। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम भगवान के सन्मुख आकर पढ़ते हैं, अनुभव करें। मैं सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। ओम शांति।